नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मौर्य आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है दोस्तों। उससे पहले यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आज बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में मंत्री जी ने क्या कहा उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 90 दिनों के अंदर जो कि टारगेट रखा गया है, मतलब 100 दिन के अंदर जो टारगेट रखे गए हैं, वो थोड़ा सा उस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली अपडेट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। 100 दिन के भीतर शुरू हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 90% से ज़्यादा का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार 90 दिनों के भीतर दिल्ली को चित्रकूट से जोड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को शुरू करने की तैयारी में है। इस एक्सप्रेसवे का 90% से अधिक का काम पूरा हो चुका है। आप लोगों की जानकारी के लिए बताते चले कि 296 किलोमीटर का लंबा जो बन रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर के गुजर रहा है, उसमें से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होते हुए इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। गुरुवार को इसकी जानकारी औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी जी ने दी। इसके अलावा औद्योगिक विकास मंत्री जी ने 100 दिनों के भीतर बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का काम शुरू किया जाएगा उसके बारे में भी जानकारी दी। आप लोगों को बताते चले कि बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 12 चंवर से शुरू होकर के फेफना तक जाएगा। लगभग 24 किलोमीटर का बलिया लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। काफ़ी समय से लोगों को इंतज़ार है बलिया लिंक एक्सप्रेसवे में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया स्टार्ट होने की। तो जी हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। औद्योगिक विकास मंत्री जी ने 100 दिन के अंदर जो टारगेट सेट किए गए हैं एक्सप्रेसवे को लेकर के, उसमें बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का काम 3 महीने के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। आगे औद्योगिक विकास मंत्री जी ने कहा कि इसके अलावा इन्वेस्टर्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बलिया वासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। दोस्तों, चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।